कॉलेज में हो या पास आउट हो, गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है कि हम प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको ये मदद करेंगे डिसाइड करने में कि आपको गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल, दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दस अंदाजेस एजुकेटर्स, आप वहाँ पर जाके हेल्प ले सकते हैं। या फिर आपको गेट और ई एस सी में आपको जनरल स्टडीज़ का कोई सब्जेक्ट या फिर गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड में कोई भी सब्जेक्ट चाहिए अदर देन मैकेनिकल, उन लोगों के लिए है तो आप वहाँ जाके जो है आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, और मैं भी वहाँ पे जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू किया। ओके, चलो अब बात करते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में कि आपको जो है अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो कि क्लियर हो जाएगा आपको, जिससे कि जो कि आपको मदद करेगा एक्चुअली कि आपको जो है गेट और ईएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्यों कोई कोचिंग गेट और ईएससी की नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा और मेन कारण मना करने का कि हम कोचिंग नहीं कर सकते वो है कि दे कैन नॉट अफोर्ड, समझे भाई, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कोचिंग को, इसलिए वो जाके ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, उनका जो है, या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके जो है हमारा बीटेक किया है, तरह से बीटेक किया है ना, और इतनी बहुत सारे लोग ये होते हैं भैया इतना पैसा लगवाया पिताजी का, अब हैवी फीस हम कोचिंग की पे करें, हमारे तो हिम्मत नहीं है हैवी फीस, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स रहते हैं लोगों के दिमाग में, तो इसलिए जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कोचिंग नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। भाई यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि ये सोच के कि मैं अगर गेट और ईएससी की कोचिंग ज्वाइन करूँगा तो मुझे वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये मिलेगा, इतना परसेंटेज तो आपको वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, आपको पता ही चलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी इतनी परसेंटेज। अगर अच्छी फैकल्टीज मिल गई तो आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, बट अगर जो है कम से कम भी फैकल्टी मिली आपको, कम से कम मतलब लेवल में अगर कम फैकल्टी भी मिली तो आपको इतना तो फ़ायदा मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप वहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख के निकलोगे ही निकलोगे, आप मिनिमम से मिनिमम इतना ही सीख जाओगे कि मुझे कितना पढ़ना है। अगर आपने सीरियसली और अटेंटिवली क्लास में बैठे हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम इतना तो पता चल जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल देना एकदम कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा वहाँ जाके टाइम वेस्ट होगा, ओके। और दूसरा एक पॉइंट और है कि जो गेट और ईएससी की कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो ये है कि उन लोग के पास में नॉलेज है, समझे। अब ये नॉलेज वाली बात भैया कौन करेगा, ये लोग, समझे, या बहुत सारे लोग हैं जो गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो है
प्राइवेट में भी एक दो कोई लड़का रहता है जो मतलब सीरियसली पढ़ाई कर रहा होता है और अपने से मतलब नोट्स वोट्स बनाता है ना, तो उसको जो है क्या कहते हैं लगता है कि नहीं मैं खुद से कर सकता हूँ, तो वो लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। मैं आपसे कहूँगा कि वो परसेंटेज लिटरली बहुत कम है। मेन जो परसेंटेज है ना ज्वाइन करने वाले वो यही वाले रहते हैं, ठीक है, यही वाले रहते हैं। ओके चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करोगे। भैया देखो आप कोचिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यही तो दो फैक्टर से आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे जो है वहाँ से मिलेगा क्या। मैं भाई इतना हैवी अमाउंट दूंगा, मिनिमम फीस इतनी लगेगी किसी भी, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात बता रहा हूँ, मिनिमम इतनी लगेगी है ना। तो दोस्त ये जो है आपकी आप इतना अमाउंट अगर दोगे, अब ज़्यादा भी ज़्यादा देते हैं, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, वो ज़्यादा दिया जाता है ऑफलाइन में, तो ज़्यादा ही दिया जाता है, ऑनलाइन में कहीं कहीं पे कम है। ओके तो दोस्त इतना आप हैवी अमाउंट अगर दोगे तो आपके दिमाग में ये तो आएगा कि मुझे वहाँ से मिलेगा क्या, ठीक है, वहाँ से मिलेगा क्या। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको एकदम एग्जैक्टली मदद कर देंगे कि हाँ ये जो है पॉइंट्स है, तो मैं आप सोचो उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना कि हाँ भाई ठीक है हम जॉब को ज्वाइन करने की नहीं करने। सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन। अब ये लिमिटेशन क्या है भैया, अभी तो आपने बताया मैं एडवांटेजेस बताऊँ, अब आप लिमिटेशन पे आ गए। भैया भैया ये लिमिटेशन वो वाला लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने जो लिमिटेशन ऐड किया है इसका मीनिंग अलग, ठीक है। ये लिमिटेशन से मेरा बोलने का मतलब है इसके बारे में। अब ये क्या है दोस्त, ये है हमारा बाउंड्री, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल वाले कहेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स की बाउंड्री की बात कर रहे हैं, या फिर सिविल वाले कहेंगे कि आप बाउंड्री वॉल की बात कर रहे हैं। दोस्त वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि आपके सिलेबस की बाउंड्री, आपके सिलेबस की बाउंड्री, ठीक है, आपका आपको कितना पढ़ना है ये चीज़ आपको कोचिंग से पता चल जाती है, ठीक है। आप कितना पढ़ना है ये क्या मतलब, ये तो सिलेबस में हमको जब कोई गेट का निकलता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का निकलता है तो वो भी पर हमको पता रहता है। दोस्त पता है आपको वो क्या लिखते हैं सिलेबस में, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर में चैप्टर, ठीक है, चैप्टर के अंदर में टॉपिक नहीं लिखते, टॉपिक नहीं लिखते। और दोस्त एक बात याद रखना मेरी, आपको जो है 3 घंटे में बैठ के 15 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। जो आपने 4 साल बीटेक में पढ़ाई की है वो आपको सारे सब्जेक्ट के एक 3 घंटे में एक दिन में बैठ के आपको पेपर देना रहता है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा पढ़ना माने मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमने बीटेक में तो पढ़ाई किया, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमने बीटेक में पढ़ाई किया लेकिन वो गेट और ईएससी में पूछा नहीं जाते है ना। अब जब वो पूछे नहीं जाते हैं तो भैया ये बताओ कि जो है उसको पढ़ने का फायदा क्या, हम नहीं पढ़ेंगे उसको, हम नहीं पढ़ेंगे ना भैया, हमको उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक ही आता है, ये नाम सुना होगा इसके बारे में, है ना, जैकोबियन। तो ये गेट और ईएससी में कहीं पर भी नहीं आता है, पूछा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, ठीक है, पूछा ही नहीं जाता। एक एक चैप्टर और था सीरीज वाला, समझे, वो वाला नहीं, मैं टेलर और मैकलोरिन सीरीज की बात नहीं कर रहा, एक और कोई चैप्टर था सीरीज वाला, याद नहीं आ रहा चैप्टर। तो वो जो है वो भी नहीं आता है गेट और ईएससी में। तो भैया जब जो है वो सब चैप्टर्स नहीं आते, लेकिन आपने तो बीटेक में पढ़ा होगा, हमें स्पेसिफाई नहीं है, हमें टॉपिक तो पता नहीं है कि क्या क्या टॉपिक आना है, हमें तो सिर्फ सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट के चैप्टर पता है। जैसे सब मैं ये सबके लिए सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन बता रहा हूँ, तो जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो उसमें उन्होंने लिख दिया लीनियर
अलजेब्रा जी, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, और भी लाप्लास भी आता है और भी आते हैं, ठीक है चलो। तो ये नहीं मतलब एक्सेट्रा लिखा तो मुझे पता नहीं, पता है भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो बस इतना लिखते हैं, इसके अंदर में जो टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में वो नहीं लिखते हैं, समझे। जब वो इसके उसके बारे में नहीं लिखते हैं तो दोस्त आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, समझे। अगर आपने वो पढ़ा आप कहोगे क्या बात है ये क्या कौन सी बात हुई, अरे दो टॉपिक पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तो क्या हो जाएगा, हमारी तो नॉलेज ही पढ़ेगी। दोस्त नॉलेज आपकी ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन मान लो कि आपका एक टॉपिक है कोई, ठीक है कोई एक टॉपिक है। अब टॉपिक वाइज देखो जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो आपको वो चीज़ें जो है मतलब कि वो डिपेंड करता है कि कितना समय लेगा। कोई कोई टॉपिक आपको 10 मिनट में ही समझ में आ जाता है और कोई कोई टॉपिक आपको 4 घंटे में समझ में आता है, ठीक है। कोई कोई टॉपिक आपको 10 मिनट में समझ में आता है, कोई कोई टॉपिक आपको 4 घंटे में समझ में आता है। तो भैया 10 मिनट में समझ में आया 4 घंटे में, अगर मान लो किसी टॉपिक में 4 घंटे आपके लग गए और वो आता ही नहीं है एग्ज़ाम में, पूछा ही नहीं जाता है एग्ज़ाम में, तो आपका तो टाइम वेस्ट हुआ ना। टाइम वेस्ट हुआ एक प्रकार से कि नहीं हुआ, आप उसमें आगे के सब्जेक्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। दोस्त इतना करना रहता है, इतने सब्जेक्ट करने रहते हैं, आप इसमें से किसी और सब्जेक्ट का वो कोई और टॉपिक कर सकते थे, या जो करेंट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको आप थोड़ा जल्दी ख़त्म कर सकते थे, जहाँ वो मान लो 3 दिन में ख़त्म हो रहा था आप उसको 2 दिन में ख़त्म कर लेते अगर आपने 4 घंटे वेस्ट ना किए होते तो, ठीक है। तो ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है। वहाँ की जो फैकल्टीज होती हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि दोस्त ये टॉपिक आ रहा है या ये टॉपिक नहीं आ रहा, उनका काम ही है ये, उनका काम ही है। ऐसी बात नहीं कि वो आपको स्पेशली बताते हैं कि बेटा लिखो क्या क्या चैप्टर हैं और ये तो सिलेबस में बताया, अब मैं आपको टॉपिक बताऊँगा ना। वो आपको पढ़ाएंगे, आपकी कॉपी में नोट्स बनेगा, आपको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भैया इतना ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें नहीं आती हैं, ओके। और अब ऐसा नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा, वो एक्सपीरियंस उनको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से पता चल जाता है, अच्छा ये आता ये आता ये नहीं आता। बट आप जो है अभी नए नए फील्ड में हो उसमें, ठीक है तैयारी की फील्ड में, तो आपको इतने जल्दी से वो चीज़ें मतलब पता नहीं चलेंगी, आप इतना अच्छे से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो ये आपको वहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है, बाउंड्री सेट हो जाती है। इसमें ये रहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही पढ़ना है, जो भी आपकी कॉपी में नोट्स आपके बने हुए हैं वही है ये बाउंड्री, ठीक है। जो भी आपकी कॉपी बनी हुई है किसी भी सब्जेक्ट की वही आपकी बाउंड्री, बस आपको उतना ही पढ़ना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं कार टॉपिक की बात मतलब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि मतलब मान लो कि टॉपिक है जैसे कैलकुलस ही ले लो, कैलकुलस हो गया है। अब इसमें आप बोलो कि मान लो कि 3 क्वेश्चन लगाने हैं और उन्होंने 3 लगवाए, तो आप बोलो कि नहीं हम तो 3 ही लगाएंगे, आपको 10 भी लगाने होंगे इसमें, ठीक है आप लगाओगे 10। यहाँ पे जो है ये ज़रूरी है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की, ओके। तो चलो आप समझ गए होंगे क्या मैं लिमिटेशन में आपको समझाना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था बाउंड्री के बारे में, कि आपको एक लिमिट के अंदर में ही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी जो कि आउट ऑफ द सिलेबस हैं, जो नहीं आती हैं, हमारे इंजीनियरिंग में मौजूद हैं बट वो एग्ज़ाम में गेट और ESE में नहीं पूछी जाती है, तो उसको पढ़ के काहे को टाइम बर्बाद करना, ठीक है चलो अपनी बात कह दी। अब दूसरा कोर्स कंप्लीशन। सेल्फ स्टडी के दौरान में ऐसा बहुत बार होता है कि मान लो आप पढ़ने बैठे, अब आपको किताब से पढ़ना है, ठीक आपने पढ़े, आपको आया थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, फिर नहीं बस आप नहीं पढ़ने हटा दो, अच्छा मन नहीं किया,
दो दिन और, 3 दिन और, 4 दिन और, मनी नहीं किया, मनी नहीं किया है। और ऐसे करते करते समय बीत गया। फिर आपने सोचा चलो दूसरा कर लेता हूँ, तो छोड़ देता हूँ। और वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर आप पढ़ ही नहीं पाए सेल्फ स्टडी में। आपने ना तो उसके नोट्स बनाए और ना आपने उसका टॉपिक समझा ही नहीं भैया, है ना। जब आप समझोगे तभी तो नोट्स बनाओगे, आपने किताबी नहीं खोल के देखी उसकी। तो यार लेकिन कोचिंग में क्या होता है, तो उससे होगा क्या इफेक्ट? आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो है एक बात का गारंटी मिलती है कि दे विल कंप्लीट योर कोर्स। वो आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। अभी आपके ऊपर, आपने सेल्फ स्टडी करके उस कोर्स को कंप्लीट किया है कि नहीं किया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो अपनी तरफ से आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अपनी तरफ से ये कह देंगे कि कॉपी में, आपकी कॉपी में जितना भी सिलेबस दिया हुआ है गेट और एसी में, जितना भी सिलेबस आता है वो सारा सिलेबस आपका करवा देंगे। बस इतनी गारंटी आपको वहाँ से मिलती है। ठीक है, अब वो उसके बाद में आपके ऊपर हो जाता है कि आपके पाले में गेंद आ जाती है कि आपको वो कोर्स कंप्लीट आपने किया या नहीं किया, बट वो आपका कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लो पेपर नहीं निकला है, तैयारी किया पेपर नहीं निकला है ना, दोबारा कोचिंग ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है ना। तो दोस्त आपके पास में इतना तो फायदा रहेगा ना कि आपके कॉपी में तो सारे नोट्स बने पड़े रहेंगे। तो आप क्या करोगे कि जो है वो मान लो कोई सब्जेक्ट कमज़ोर था, आपको नहीं आता था वो सब्जेक्ट, तो कम से कम आपको इतना तो फायदा रहेगा कि मुझे कॉपी से पढ़ना है, मेरे पास में कॉपी में डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड मेरे पास में चैप्टर से डिफाइंड मेरे पूरे नोट्स बने हुए, मुझे बस वो कॉपी को पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो एक गारंटी आपको वहाँ से मिल जाती है कि आपका कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीशन आपको मिलेगा, आपको वहाँ पे कोर्स कंप्लीशन मिलेगा। अच्छा, इसी में मैं एक दूसरा पॉइंट ऐड करूँगा इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चों के लिए। भाई आप और हम लोग सब लोग जानते हैं 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, 2017 में ईएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, तो दोस्त 2017 में जब ईएससी का सिलेबस चेंज हुआ तो जीएस का भी सिलेबस चेंज हो गया और उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड करने शुरू कर दिए। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में एक्स्ट्रा टॉपिक्स टेक्निकल में आते हैं हमारे मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड रोबोटिक्स, ये पहला, और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी। ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक और जीएस पे भी बात करता हूँ, ये दोनों जो टेक्निकल के टॉपिक हैं, अब इनकी कोई किताब डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इनकी कोई मतलब कि ऐसा रेंज नहीं डिफाइंड है कि अच्छा भैया ये किताब है आप इतनी पढ़ लो आपका हो जाएगा। आप और दूसरा मान लो आपने ले भी लिया किताब, तो आपको इसको समझने के लिए एक सामने एक समझाने वाला होना ज़रूरी है कि नए टॉपिक हैं आपने कभी नहीं छुआ, और स्पेशली ये जो भाई साहब मैकेट्रॉनिक्स है इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी घुस घुस के है, इतनी घुस घुस के है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी नहीं है ढंग से आती है समझ में। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल वालों को ये ढंग से समझना पड़ता है, इतना जो है हाई लेवल का टॉपिक है, इसमें कोई टॉपिक बहुत ही मतलब है। तो इसको आपको कोई सामने चाहिए जो आपको चीज़ें समझा पाए। ठीक है, तो दोस्त ये टॉपिक तो आप खुद से नहीं कर सकते ना, ये टॉपिक तो आप खुद से नहीं कर सकते, प्लस जीएस और आ गया। अब जीएस में क्या है कि बहुत से लोग जैसे इंजीनियरिंग एथिक्स हो गए, बहुत से लोग इंजीनियरिंग एथिक्स को सिविल सर्विसेज वाला समझ लेते हैं। नहीं भाई, नहीं, सिविल सर्विसेज वाले एथिक्स की ज़रूरत नहीं है, समझ गए, उतना एथिक्स इसमें नहीं आता, इसमें एथिक्स एक लिमिटेड आता है। अब वहीं पे यही वही बात हो जाती है जो मैंने पहली वाली स्लाइड आ गई कि भैया अभी जो है वहाँ पे आप अगर वो सिविल सर्विसेज वाला इंजीनियरिंग एथिक्स अगर पढ़ोगे तो आपका तो टाइम बर्बाद जाएगा ना, उतना पूछा ही नहीं जाता, रिक्वायर्ड ही नहीं है।
तो आप उससे बढ़िया जो है और जगह पे आप टाइम लगा लो, आप 2 बार रिवाइज कर लोगे और सब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को उसी टाइम में। तो यार ये सब चीज़ें रहती हैं कि आपको जो है ये GS का सब्जेक्ट और ये मेकाट्रॉनिक्स वाला और ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ये आपको वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप कोई भी ज्वाइन करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ने पे आओगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से पढ़ना है। जैसे मैथ पढ़नी है, मैथ का पता है ये पढ़ लो जी, बहुत से लोग कहते हैं इसको पढ़ लो, है ना। मैं बता रहा हूँ कि ये किताब डिफाइंड है, बट GS के सब्जेक्ट की किताब डिफाइन नहीं है ना, इसके डिफाइन नहीं, इसके डिफाइन नहीं, इसके डिफाइन नहीं, मैकेनिकल वाले समझ रहे होंगे। GS में भी जो है एथिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया भाई, है वो किताब से पढ़ने चले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत ही बड़ा है, उतना नहीं पढ़ना है। ये कौन डिफाइन करेगा, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत फ़ायदा मिलता है, ये सब सब्जेक्ट वो आपके कंप्लीट करवा के आपको देते हैं, ठीक है। तो सबसे दूसरा फायदा आपको क्या मिलता है कि आपका कोर्स कंप्लीट होके आपको मिलता है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब बात आती है गाइडेंस फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। अब ये क्या है, जब आपको कोई भी फैकल्टी पढ़ाएगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, भाई आप जब तैयारी करने जाते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता रहती। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या ऐड करना होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे नाम ही नहीं पता था शॉर्ट नोट्स के बारे में, शॉर्ट नोट्स क्या होता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको अंत में जब आपका एग्ज़ाम पास में होता है तब आप कॉपी से अगर रिवाइज करने बैठे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। शॉर्ट नोट्स क्या मदद करते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपके लिखे होते हैं फॉर्मूले, लिखे होते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वो आप फटाफट फटाफट पेज पलटते हो, तो वो आप इतनी मोटी कॉपी को आप इतने पतले से 4-5 पन्ने के शॉर्ट नोट्स में आप उसको रिवाइज कर लेते हो, इतनी मोटे कॉपी की सब्जेक्ट को आप इतने 4-5 पन्ने में आप उसको रिवाइज कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। लेकिन जब मैं गया, मैंने क्लास करी, एक फैकल्टी पढ़ाने आई थी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, मुझे क्या पूरी क्लास को बताया था इसके बारे में, और उन्होंने जो है और भी बताई चीज़ें कि क्या क्या आपको और करना रहता है, आपको रिवीजन कैसे करना रहता है, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना रहता है। ओके, ये सब भाई बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे गेट और PSC के एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहता है, और भी पॉइंट्स वो बताते रहते हैं आपको कि भाई देखो ऐसे पढ़ाई कर लेना, या एक और बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपके ज़्यादा स्कोरिंग है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट आपके कम स्कोरिंग है जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, आपको वो एक ऑर्डर में बता देंगे चीज़ों के बारे में, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं जो उन्होंने जो है पेपर क्लियर किया हुआ है, वो अपना जो है इसमें जो है वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस था जो हम लोग ने अपने एग्जाम को क्रैक किया था, ठीक है। तो आपको पल पल जो है वहाँ पे जो भी जिस भी फैकल्टी से पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, आपको जो है कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा, आपको प्रीवियस ईयर लगाने अच्छा, आपको और भी क्वेश्चन अगर लगाने की ज़रूरत होगी तो फैकल्टी आपको बता देती है कि भैया ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप जो है यहाँ पे कर लेना इसको, ठीक है, ये चीज़ें और रिक्वायर नहीं है, आप कर लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन और लगा लेना, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो नहीं लगवा सकते, उनको और बहुत सी चीज़ें आप पढ़ानी होती हैं, ठीक है। तो दोस्त पल पल पे आपको गाइडेंस मिलती रहती है, आपको ऐसे हाथ पकड़ के बताया जाता है कि भैया अगर आप सिंसियरली तैयारी करते हो, सिंसियरली आप कोचिंग को अटेंड करते हो, तो आपको जो है पॉइंट को बताया जाता है हर बार कि भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, ठीक है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी करोगे, मैं यहाँ पर सेल्फ स्टडी को बुरा नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बस डिफरेंस बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी में क्या डिसएडवांटेज है, कोचिंग ज्वाइन करने में क्या एडवांटेज है, मुझे किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए, ठीक है।
समझ लो ये बात। तो सेल्फ स्टडी में क्या है आपको नहीं पता, मैं अगर सेल्फ स्टडी करता मुझे इसके बारे में कभी नहीं पता चलता। ऑनलाइन पे कंटेंट कितने दिन में आया है, कब से आया ऑनलाइन पे कंटेंट? अभी आया 2 साल से, मेरे टाइम पे नहीं था। 2 साल से आया, मेरे टाइम पे नहीं था भाई, ठीक है मेरे टाइम पे नहीं था। कोई नहीं बताने वाला था कि शॉर्ट नोट्स जो है ऑनलाइन पे इतना कंटेंट नहीं पड़ा हुआ था। तो इसके बारे में तो मैंने कहीं नहीं सुना था, मैं बहुत खोजा था मैंने, मुझे कहीं नहीं पता चला था इसके बारे में, ना मेरे को मेरी कॉलेज की फैकल्टी ने बताया था, समझ गए? तो कहीं से भी नहीं पता था, लेकिन जब पता चला बनाया तो देखा इसका ना कि क्या फायदा मिला है शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो इसलिए जो है आप लोग अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बड़ा एक फायदा मिलता है कि आपको फैकल्टीज की गाइडेंस मिलती रहती है, ठीक है? फैकल्टीज की गाइडेंस आपको मिलती रहती है, बीच बीच में आपका इंटरेक्शन भी होता रहता है फैकल्टी से, होता है बहुत से लोगों ने पेपर निकाला होता है तो उनसे वो करवा देते हैं इंटरेक्शन, आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पता चलती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, बस यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, वो मैं पीपीटी पे ऐड करना भूल गया, कि आप अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो ये आपका होता है, ये डाउट क्लियरेंस भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, VVIP डाउट क्लियरेंस है। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक, कोई टॉपिक में ही आपको कोई चीज़ होगी कि अच्छा ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, तो क्या होता? मानो क्लास करी, कुछ भी पढ़ा, अच्छा ये ऐसे ही क्यों किया गया, ये ऐसे भी तो हो सकता था। अब आपके दिमाग में भैया चीज़ें आ रही हैं, है? आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, तो अब आप अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आप किससे पूछोगे? किताब तो आपको नहीं जवाब देगी, जॉब तो आपको फैकल्टी ही दे पाएगी, कोई मतलब आपसे सीनियर होगा वही दे पाएगा, आप अकेले हैं, आपका किसी से कोई बातचीत नहीं है ना, तो आपको कौन बताएगा उसके बारे में? तो जहाँ पे अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखी है, तुरंत आपने फैकल्टी से पूछ लिया, सर ऐसी ऐसी बात है, इसमें ये टॉपिक है, सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये बता दीजिए इसमें, या सर ये ऐसे हो रहा था तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, या ये क्या दिक्कत होगी, तुरंत आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको फैकल्टी बता देगी तुरंत। मान लो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, सो हो गए थे सर समझ में नहीं आया, प्लीज़ बता देते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई टॉपिक आप सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, किताबों में दोस्त कहीं कहीं पे ऐसा है कि उन्होंने चीज़ें डायरेक्ट लिख दी हैं, उन्होंने चीज़ें डायरेक्ट लिख दी हैं, आपको उसका बैकअप नहीं पता है, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि उनका बैकअप पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसका बैकअप नहीं पता है तो आप उसका मेन जो चीज़ है आप उसको समझ नहीं सकते, है ना दोस्त? कैसे आप जो है आप कर लोगे ये बताओ पहले, है ना? ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपका, ये डाउट क्लियरेंस होना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखी है तो ये आपको बहुत ही सही तरीके से एकदम काम करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा कोचिंग से जुड़े अगर आपने ज्वाइन करी है, ठीक है? अभी हम बात करेंगे, हाँ ये आ गया अपना भाई, इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस। भाई हम तो बहुत बड़े टॉप हैं, हमारे तो कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हम तो सबको हरा सकते हैं, गेट और ये तो खेल है हमारे लिए, है ना? खुद से तैयारी कर रहे हो, इसी डिलेमा में हो, है नंबर नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज, अरे यार टेस्ट सीरीज वाले तो बनाते ही टेस्ट सीरीज कठिन है, क्या हो गया नहीं आ रहे? हमने तो सब पढ़ रखा लेकिन पेपर में कुछ नहीं, कुछ निकला ही नहीं। और यहीं पे जब आप कोई कोचिंग में जाते हो, मान लो ऑफलाइन में, ऑफलाइन में तो भाई सबसे बड़ा फायदा ऑफलाइन का यही है, ठीक है? क्या हुआ, गया आंखें खुली की खुली रह जाती, अरे इतने सारे बच्चे, फिर लगता है अरे अच्छा इतने बच्चे तो मेरी क्लास में हैं, ऐसे ही बच्चे पूरे इंडिया में बैठे होंगे, और पूरे इंडिया में भी कई जगह तो ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपल बैचेस चलते हैं, अरे मेरा तो इनके साथ में कॉम्पिटिटिवनेस है,
मैं क्या समझ रहा था? ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती मैं कर रहा था। नहीं, मुझे अपने ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा समझना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है? मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, ठीक है? आपको पता चलता है कि हाँ भैया, नहीं, इतने सारे बच्चे ये सब तैयारी करने के लिए आए, तो मुझे अगर लिमिटेड सीटें हैं, मुझे अगर वो सीट, एक सीट को अगर हासिल करना है, मुझे अगर एग्जाम को क्लियर करना है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? या फिर ऑफलाइन हो गया, फिर ऐसी ऑनलाइन में चैट चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, सर ने दे दिया आपको क्वेश्चन, और धड़ 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 आंसर आना शुरू हो गए। आपने कहा अरे सब निकाल ले, मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, मेरे से कहाँ गलती हो रही है, चलो क्लास में नहीं समझ आया, नहीं कर पाया क्लास में। तुरंत जैसे क्लास खत्म हो गया, आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, आप तुरंत कॉपी खोलोगे, मुझे क्यों नहीं हो रहा था, अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन लगाओगे उससे रिलेटेड, उससे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे। लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा चीज़ों का कि क्या चीज़ हो रही है यार। मैं तो बहुत बहुत भाई, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि हम बहुत बड़े टॉप है भाई, ये बहुत लोगों के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, अंधों में गाने राजा बने रहते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में भाई, सेमेस्टर के एंड में पढ़ के, ठीक है, जो अगर सही थोड़ा बहुत भी सही पढ़ने वाला है, इतना आ जाता है, समझे, इतना जो है आ जाता है, समझ रहे हो, सेमेस्टर के एंड में पढ़ने से। लेकिन यार अगर ढंग से पढ़ लिया है तो, लेकिन यहाँ पर तो सेमेस्टर के एंड वाली पढ़ाई तो है नहीं, यहाँ पे आपको 3 घंटे में एक सब्जेक्ट का पेपर तो देना नहीं है, आपको तो 3 घंटे में इतना सब्जेक्ट देना है ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, आदमी अंधों में गाना राजा बना रहता है, अरे हम तो बड़बड़ टॉप है, हम तो सबसे ऊपर है वहाँ पे कॉलेज में। लेकिन बहुत से कॉलेज के ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे मतलब फैकल्टी बताती थी कि उनका कोई पेपर निकला ही नहीं, कोई पेपर नहीं निकला उनका, बहुत से एवरेज थे, वो टॉपर बने बैठे, ठीक है? तो दोस्त ये चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत पता चलती है, समझ गए, बहुत पता चलती है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में, समझ गए, ये चीज़ इसके बारे में आपको बहुत मदद मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तैयारी के दौरान, और ना आप खाली बैठ जाओगे, इसे छोड़ के बैठ जाओगे आप, भाई इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सिलेबस है, कि कई टाइम आता है कि आप छोड़ देते हो ऐसे, भाई नहीं हो रहा। लेकिन जब आप देखते हो लोगों को कि यार पढ़ना है, मान लो, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे, मान लो कोई क्वेश्चन दिया करने को, ऑफलाइन में बता रहा हूँ मैं, और थोड़ा थोड़ा आंसर आ गए 3-4, अब आप अगर सीरियस से तैयारी करा को लेकिन भाई मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं दे पा रहा, अपने दिमाग में आएगा, फिर आप उसके ऊपर काम करोगे, काम करोगे, इससे आपको जो है फायदा मिलेगा, ठीक है, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्त इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस, ओके, अच्छा अब बात करेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट की, जो कि है मोटिवेशन, मोटिवेशन है ना दोस्त, ये क्या बात है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आया है, टेस्ट सीरीज दिया, क्वेश्चन नंबर नहीं आया, तो फैकल्टी जब पढ़ाती है ना, उसको ये बात पता रहती है कि लड़कों के अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है, तो वो बीच बीच में बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको, आपको चीज़ों के बारे में मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई दे ठीक है, गलती हो रही है, कोई बात नहीं, मेहनत करो, ये कदम उठाओ, ये चीज़ कर लो, ये कर लो, आएंगे नंबर ज़रूर आएंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने कैसे निकाला, जब सामने कोई ऐसा बंदा पढ़ा रहा होता है ना, जिसने जो है पेपर निकाला होता है, आपको अपना एक्सपीरियंस जो बताता है कि वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है, नहीं यार मुझे भी करना है, मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी पेपर निकालना है, आपको मोटिवेट करता है, तो फिर से आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, और ये होता है दोस्त, होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के दौरान ये चीज़ें होती हैं भाई, सिलेबस इतना सारा है, एक सब्जेक्ट का तो पेपर देना नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का पेपर देना है, और उसमें भी आपको सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, आपको परफेक्ट बनना है, आप उससे कम नहीं रह सकते हैं। इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आपको अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, तो आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, हल्के भूल गए काम नहीं चलेगा,
वो जब हासिल नहीं होती तो नंबर नहीं आते, तो मेरा दिमाग खराब होता है कि अरे वहाँ तो हो ही नहीं ना, हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता ये वो। तो फिर जब फैकल्टी को ये बात पता रहती, आप कुछ नहीं बोलोगे उनसे कि सर हमारा नंबर नहीं आ रही, कुछ नहीं बोलोगे, खुद ही बता देंगे, वो खुद ही बता देंगे। तो आपको बीच बीच में वो बताते रहते हैं चीज़ों के बारे में, समझे, बीच बीच में आपको चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। उससे क्या होता है कि आप फिर से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ऐसा होता है, देखो चार्ज हुए हैं, फिर बैटरी डाउन हो गई, बैटरी डाउन हो गई है ना। और ये जो मोटिवेशन मिलता है, ये वो वाला मोटिवेशन नहीं कि मोटिवेशनल वीडियो की तरह देख लिया, 10 मिनट में गूज बम्स आ गए, अरे आज तो फोड़ के रख दूंगा और 2 घंटे बाद गया, वो वाली नहीं होती है ये अच्छे से की जाती है मोटिवेशन, समझे। उससे क्या होता है कि लंबी देर तक बैटरी चलती है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर किसी दूसरी फैकल्टी आती है, फिर वह ऐसे आपको चार्ज कर देती है, फिर वो फिर आपको उसके बारे में पता चल जाता है, कुछ बातें पता चलती हैं, आप फिर से मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा जो है एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश थी, जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो आपको वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। और समझ में आने के बाद में अब आप इन पॉइंट्स की मदद से आपको थोड़ी बहुत भी आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ मुझे जो है कोचिंग ज्वाइन करनी है या मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। आप इस बात को डिसाइड करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं छोटा वीडियो नहीं बना सकता कि मेरी आदत है, मैं जब तक एक्सप्लेन पूरे तरीके से ना कर लूँ मैं नहीं रुक पाता भाई, ठीक है। तो उसके लिए भाई आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। और आई होप मैंने जो है आपको एक्सप्लेन मैं कर पाया हूँ वो चीज़ें। अगर 1% भी किसी को कोई मदद मिल जाएगी, 1% भी किसी को कुछ समझ में आ जाएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। और अगर मैंने किसी को कुछ बुरा कह दिया इस वीडियो में तो भाई सॉरी, ठीक है। मेरा ऐसा कोई भी वो मतलब कि इरादा नहीं था, ठीक है, कि मैं आप किसी को भी हर्ट करूँ या ऐसा कुछ करूँ, ठीक है। एक हेल्प पहुँचाने का जरिया था, तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।